पुलिस वाले भैया से मुझे 40 किलोमीटर का लिफ्ट मिल जाता है। अब देखो जिस रोड से हम जा रहे हैं ये एक नेशनल हाईवे है। अभी तक रोड काफी अच्छा था लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हम नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं। खैर एक घंटे के सफर के बाद पुलिस वाले भैया मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। इस जगह का नाम है डालू जो कि मेघालय का एक विलेज है। यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर बाद इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। मुझे लगा था यहाँ से बागमारा के लिए गाड़ी मिल जाएगी लेकिन पता करने के बाद पता चलता है कि भाई साहब संडे को यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। संडे को मेघालय में ट्रेवल करना पूरा लोचा हो जाता है। फिर मैं पेट्रोल पंप के पास आकर वेट करने लगता हूँ लेकिन यहाँ भी मुझे आगे जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिलती। अब इतनी गर्मी में थोड़ा स्ट्रेस होना तो बनता है, तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले ठंडे पानी से अपना फेस धोता हूँ और उसके बाद पेट्रोल पंप से थोड़ा और आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर फिर से हिचहाइकिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तभी मेरी मुलाकात होती है इस भाई साहब से। कौन लिफ्ट मिली है? बट 5-6 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है तो इन्होंने दिया है भैया। थैंक यू क्रिंस, राइट? ये इतने हेल्पफुल निकले कि मुझे वहाँ तक छोड़ने आए जहाँ से गाड़ी मिलती है और साथ में मुझे नंबर देते हुए ये कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना।